तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका मैं PSL के एक फ्रेश कमाल कैप्सूल में। और आज मैं एक आपको गुड न्यूज़ लाया हूँ कि भाई आपका जो भी PSL का पैसा वो जल्द वापस मिलेगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना कि भाई PSL का जो भी पैसा है वो रिफंड आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप PSL के लिए कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेटेस्ट जो भी अपडेट्स आएगी, तो ये मैं मेरी यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन बाजू में है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर कोई भी PSL के रिलेटेड वीडियोस आएगी तो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो पूरा स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, जब जल्द PSL का पैसा मिलेगा वापस, तो देखो जब PSL कंपनी ने एक जो भी चीट फंड में उसका जो भी पैसा लोगों के पास इकट्ठा किया था, उसके बाद जो भी सेबी ने एक अनाउंसमेंट किया है तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखो जी हाँ, 2 जनवरी से सेबी ने PSL निवेशकों से कंपनी में किए निवेश किए धन की वापसी के लिए ने अपने दावे प्रस्तुत यानी ऑनलाइन रिफंड प्रोसेस के लिए अप्लाई करने को कहा है। तो जी हाँ दोस्तों, सेबी ने अपने जो भी रूल्स के मुताबिक जो भी है उसको रिफंड प्रोसेस के लिए डाला है। सहारा के बाद पल्स की एक बहुत बड़ा चीट फंड सकाम है, जहां सेबी ने एक अदालत के आदेश के तहत प्रभावित निवेशकों से रिफंड क्लेम अप्लाई करने के लिए कहा है। PSL जो कृषि और रियल एस्टेट कारोबार में नाम पर इन्वेस्टर से पैसा उठाया था, सेबी ने बताया कि 18 साल की अवधि में इन निवेश योजनाओं के माध्यम से पल्स ने 60,000 करोड़ रुपये अधिक से एकत्रित किए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा नियुक्त RM लोढ़ा समिति जो PSL अस्थियों के निपटाने की देखरेख कर रही है ताकि प्रभावित निवेशकों को चुकाया जा सके, अब तक निवेशकों को धन के साथ वापसी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो पहले राउंड में सेबी ने ऐसी निवेशकों की सप्लाई अप्लाई करने को कहा है कि जो बिल्कुल राशि PSL के साथ 2500 रुपये तक है। तो जो भी फर्स्ट स्टेज है उसमें 2500 तक जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका पैसा वापस आएगा, तो उसके बाद 5000 आएगा, उसके बाद 7500 आएगा, उसके बाद 10000 आएगा। तो ऐसे अलग अलग स्टेप में डिवाइड कर दी गया है। तो तदनुसार सेबी ने कहा है कि केवल ऐसे निवेशकों जिनकी कुल राशि 2500 तक है, उनको 562632 पर एक SMS को माध्यम से या वेबसाइट पर भुगतान रसीद अपलोड कर रहे विवरण का जो भी सेबी कमिटी PSLRefund.com पे अपलोड कर रहे हैं, तो उसका जो भी पैसा है वो रिफंड आ जाएगा। और उसके बाद ये विवरण PSL प्रमाण पत्र के अनुसार नाम है, राशि का दावा या मोबाइल नंबर, PSL योजना भुगतान पंजीकरण संख्या, PSL प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति, आधार या पैन नंबर, कंपनी द्वारा दावेदार निवेशकों को भूमि आवंटित की गई या नहीं, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड, और साथ ही पिछले 3 लेनदेन का दर्शाने वाली नवीनतम बैंक स्टेटमेंट स्कैन की गई प्रति वो आपको पेश करना है। नियम के निवेशकों को इस साल 28 फरवरी तक यह जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है। तो उसके अलावा सेबी ने निवेशकों को दूसरे के साथ अपने मूल प्रमाण पत्र को आंशिक पर करने के खिलाफ जगह किया है। सेबी ने कहा है कि निवेशकों को उनके मूल PSL पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ विदाई के खिलाफ आगे चेताया जा सकता है जब तक समिति की प्राप्त विशेष सूचना पर। इससे पहले सेबी ने 192 जिलों में PSL संपत्तियों की बिक्री के ब्याज की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से आमंत्रित किया था। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2015 में सेबी ने PSL की सभी संपत्तियां और उनके प्रवक्ता जो भी निर्दोष पैसा वापस करने की विफलता के लिए जो निवेशकों के कारण है कि कुर्फी के आदेश दिए गए। PSL ने लगभग 5 करोड़ निवेशकों से 49,100 रुपये जुटाए थे, जिसे सेबी ने आदेश के अनुसार वादा किया गया रिटर्न, ब्याज भुगतान और अन्य शुल्कों के साथ वापसी की जरूरत है। PSL के खिलाफ भी अपनी प्रवर्तन निर्देशकों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये जो भी PSL का पैसा है वो रिटर्न आएगा, ठीक है। तो रिफर कार्यवाही में निवेशकों के कारण वापसी के साथ पैसे वापसी करने के लिए अपनी विफलता के लिए शुरू किया गया था। आगे ब्याज और सभी लागत शुल्क और खर्च वसूल कार्यवाही में खर्च के साथ साथ सेबी ने उन्हें 2 अगस्त 2014 को दिनांक आदेश दिए धन वापसी करने को कहा था। बकायेदार योजना के हवा देने और निवेशकों को आदेश की तिथि समान 3 माह के अंदर वापसी करने का निर्देश किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो PSL का है तो आपको पता होगा कि जब ये जो भी फ्रॉड कंपनी उठ गई तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थे। तो ये PSL का जो भी पैसा, आपने भी परफेक्ट रिसिप्ट भरी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया है, तो आपका जो भी पैसा है वो रिटर्न 100% आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही PSL के जुड़ी कुछ भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बैल
आइकन को भी दबा दूँ ताकि कोई भी PSL की लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मेरे चैनल पर पहले आता है, क्योंकि मुझे भी पता है, मैंने भी PSL कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो मेरे को पता है कि उसमें क्या आपको आप बीत रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत होप करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को कुछ लाइक से सब्सक्राइब प्रेस करना ऑप्शन बेल आइकन, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।